यूक्रेन की जंग में चारों तरफ लोगों की चीख पुकार और मदद की गुहार और लड़ाकू जहाजों की गर्जना सुनाई दे रही है और इन्हीं चीख पुकारों के बीच सुनाई दे रही है जिंदगी की आस आंखों में लिए नन्हे बच्चों की किलकारियां। तबाही और दहशत के बीच बंकरों से आती नवजात बच्चों की किलकारी पूरी मानव सभ्यता के लिए एक संदेश है। देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हमारी यह खास रिपोर्ट। यूक्रेन में जंग के माहौल को देखते हुए अस्पतालों की बेसमेंट में अस्थायी वार्ड बनाए गए ताकि वे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली हैं, उन्हें जंग की यह भयानक तस्वीरें न दिख पाए, वे अपनी मां की गोद में सुरक्षित रहें। पिछले 7 दिनों में इस भयानक जंग तबाही के बीच 100 से अधिक बच्चों ने एक नई उम्मीद लेकर यूक्रेन की धरती पर जन्म लिया। यूक्रेन के मारियोपोल शहर ही नहीं बल्कि खार्किव जैसे कई शहरों में अस्पतालों के बेसमेंट में बच्चों का जन्म हुआ। यूक्रेन के अस्पतालों में भले ही उपकरणों की कमी है लेकिन उम्मीद की कमी नहीं है। किसी को पता नहीं है कि रूस का अगला मिसाइल कहां गिरेगा और उसका नतीजा क्या होगा। बस हर कोई संघर्ष कर रहा है उस नन्ही जान को बचाने के लिए जिनके हाथों में यूक्रेन का भविष्य है। रूस की बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन की गर्भवती महिलाओं ने बेसमेंट में बने मैटरनिटी सेंटर में शरण ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक 100 से अधिक बच्चे जन्म ले चुके हैं। जमीन पर भले ही तबाही का मंजर हो और अपने अस्तित्व की लड़ाई चल रही हो लेकिन यूक्रेन के अस्पतालों के बेसमेंट में अभी भी इंसानियत उम्मीद के साथ जन्म ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।